जरा एक बयान प्ले करते हैं और वो बयान कुछ पुराना है, कई सालों पुराना है, जिसमें अटल जी कुछ कह रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि वो बयान को प्लीज ध्यान से सब लोग सुनिएगा। एक भाव जुड़ा है अटल जी के साथ, वो सबके सम्मानित रहे। और प्लीज पीसीआर इस बयान को प्ले करिएगा और मैं बताऊंगा ये बयान मैंने नहीं, किसी ने सार्वजनिक रूप से, बीजेपी के एक बड़े नेता ने सार्वजनिक रूप से सबके सामने रखा था, उस नेता का नाम भी बताऊंगा। लेकिन पहले इस बयान का भाव सुनिएगा। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। सबको स्क्रीन पे, यस दुबे जी, अटल जी ने कहा था 1980 हम लोगों की प्रजाति। और पता क्या है दुबे जी, मैं स्वीकार करता हूं, कई ऐसे हैं वो कहते हैं कि लड़ा दो, टकरा दो, भिड़ा दो और ये हो गया राष्ट्रहित, ये हो गया राष्ट्रवाद। ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे, टकरा दो, लड़ा दो, भिड़ा दो। 1980 में अटल जी ने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, किसान डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित दाम मिलना चाहिए, हम समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े। तो क्या अटल जी 1980 में राजनीति कर रहे थे उस वक्त? तिलक जी, जो अटल जी बात कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अटल जी के ही बात को, उनके विचार को आगे बढ़ाया। विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो क्या उस वक्त अटल जी राजनीति कर रहे थे? वो तो सबके सम्मानित है ना, उन्होंने जो बात बोली उस बात को स्वीकार कर। आप कांग्रेस के इशारे पे मत चलिए, आप समाजवादी पार्टी के इशारे पे मत चलिए, आप किसानों के नाम पे जो विपक्षी पार्टियों के मोहरे मत बनिए। मैं सवाल सत्ता से पूछता हूँ दुबे जी, आप जानते हैं मैं सवाल सत्ता से पूछता हूँ। और ये जो सर्टिफिकेट है ना, वो अपने जेब में रखिए। वो सर्टिफिकेट का मैं कितना इस्तेमाल करता हूँ, मैं बाहर जाके फाड़ देता हूँ, कोई फायदा होता नहीं है उस सर्टिफिकेट का, है ना। इसलिए आप लोग अपना सर्टिफिकेट रखिए सब जेब में। मेरा एक सवाल ये था, मैं सीधा सा एक बात कह रहा हूँ, मैं तो भाई जनता की आवाज हूँ, जनता का मोहरा हूँ, जो जनता के जहन में सवाल होते हैं मैं बस वही पूछता हूँ। चुपते इसलिए हैं, चाहे वो शिल्पी जी हों, अभिमन्यु जी हों, चुपते इसलिए आप लोगों को। मैं तो एक बात कह रहा हूँ दुबे जी, मैंने तो सिर्फ वही क्लिप दिखाई जो वरुण गांधी ने ट्वीट की थी, पता है कब? 14 अक्टूबर को। उनके ट्विटर हैंडल पर जाइए, आज भी मौजूद है। तो वरुण गांधी कौन सी सियासत कर रहे हैं दुबे जी? आपने जनवरी से आंदोलन की तरफ देखना क्यों बंद कर दिया? जनवरी से मतलब मेरा यह कि 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी, आपने उसके बाद से आंदोलन की तरफ देखना बंद कर दिया। तीनों कानून, तिलक जी, सरकार को लगता है कि हम जो कानून बनाए हैं, हम लोग लेके आए हैं, वो सही है और उस कानून की आवश्यकता भारत को है, देश को है। किसान अपने बारे में नहीं सोच सकता क्या? वो देश के प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी क्यों कहा था? देखिए, हमें लगता है कि संवाद हर हर लोकतंत्र में, जितनी हम लोग बात कर रहे हैं, यही संवाद 22 जनवरी के बाद से क्यों बंद है? मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, 22 जनवरी के बाद से आपने आंदोलन की तरफ देखना बंद कर दिया? 22 जनवरी के बाद से आंदोलन की तरफ देखना बंद कर दिया आपने? आपने कहा कि इनको इनके हालात पे छोड़ दो, 22 जनवरी के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई, क्यों बातचीत नहीं हुई? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, जब समस्या का समाधान संवाद से निकलना है तो संवाद क्यों बंद हो गया? हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे सारे मंत्रियों ने कहा कि आप कैसे नेताओं ने बैठ के मन से कहा कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है? तीनों वापस होना चाहिए। संदीप दुबे, क्या खालिस्तानी नहीं बोला गया इनको? क्या पाकिस्तानी नहीं बोला गया इनको? मैं गलत बोल रहा हूँ? आपके मुख्यमंत्रियों ने बोला, हमने जो बोला वो हम बता रहे हैं, ये लोकतंत्र है। 3 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आचार संहिता दिसंबर के आखिर में लग जाएगी जो माना जा रहा है। तो एक काम करिए, इन 3 महीनों के बाद जब रैलियां होंगी, चुनावी होगा, तो
तो आप खुलकर बोलिएगा कि सवित मलिक, राकेश टिकैत, ये जितने भी किसान नेता जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे खालिस्तानी हैं। मन से बोलिएगा, बोलेंगे? संदीप दुबे जी, बोलेंगे ये सारे खालिस्तानी हैं? देखिए, मैं ऐसे संवाद का पक्षधर ही नहीं हूं कि हमारा अच्छा, भारत का कोई भी नागरिक तो यही संवाद तो आपके नेता स्थापित कर रहे थे। सरकार नहीं देखे, आप ये बता दीजिए पूरे भारत में गेहूं की खरीद कितने परसेंट हुई है? प्रधानमंत्री जी को भला बुरा कहते हैं आप, योगी जी को भला बुरा कहते हैं, झूठा आदमी है, हम कहेंगे वो झूठ बोलते हैं, उनसे बड़ा झूठा आज तक कोई नहीं है। आंदोलन के नाम भारत के किसानों को बेचने का काम कर रहे हैं, वो झूठे हैं, हम चैलेंज करते हैं। हमारे पास तमाम सबूत है, संवाद शायद इस स्तर के हैं कि वो, अरे इस देश का प्रधानमंत्री झूठा है, झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा। आप ऐसे बात अगर करेंगे तो ये बात अच्छा नहीं है। आप अपने प्रधानमंत्री के बारे में, अच्छा हमारी जमीन छीन लो वो अच्छा है, हमारी मंडी छीन लो वो अच्छा है, अरे तुम खुद झूठे हो, पूरी पार्टी झूठी है। कानून तो पढ़ के बैठिए भाई, हम तो तिलक जी नहीं बैठ सकते ऐसे डिबेट में। का नाम तो सुना होगा आपने दुबे जी, उन्होंने कहा कि आंदोलन में 600 किसान मारे जा चुके हैं लेकिन सरकार को अफसोस नहीं है, आप मानते हैं इस बात को? सत्यपाल मलिक, इसके जिम्मेदार जो किसान के आंदोलन कर रहे लोग हैं, जो लोगों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, हमें लगता है वो सारे लोग हैं। उन लोग को समझना चाहिए कि आंदोलन का स्वरूप, आंदोलन करने का तरीका, हमारे यहाँ एक आंदोलन की परंपरा है, उससे सीखना चाहिए, उसका निर्वहन करना चाहिए। दुबे जी, मित्र आप अच्छा बोल, आपको अफसोस है? मुझे भारत के हर व्यक्ति के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है अफसोस है। मैं भारतीय हूँ और मुझे दर्द होता है, दुख होता है कि हम अपने अपने हम तो खिलाड़ियों को पता नहीं कहाँ फोन करके मुबारकबाद दे देते हैं। एक ट्वीट भी तो करा दी सर, एक ट्वीट होगा? नहीं होगा ना? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जिद किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, और वापस ये आंदोलन खत्म करके अपने काम पे सबको जाना।